हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के सीबीसी सिलेबस से एक नया ब्लॉक लेकर आए हैं, जिसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोगों को फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बनाना है। तो आइए सबसे पहले इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट चेक कर लेते हैं। तो उसमें इसकी लेंथ 19 mm दी गई है, इसकी ब्रेथ 16 mm दी गई है, इसकी हाइट 16 mm दी गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू के बॉक्सेस बना लिए हैं। तो आइए सबसे पहले फ्रंट व्यू देखते हैं। दोस्तों, फ्रंट व्यू में हम लोगों को 30 mm से एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, तो हम सबसे पहले वही बना लेते हैं। दोस्तों, फ्रंट व्यू में हम लोग देखें तो 30 mm से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ऊपर तक जा रही है। तो 30 mm लेकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के उसको बना लेते हैं। 30 mm ले लेते हैं हम लोग, इसको हॉरिजॉन्टली 30 mm ले लेंगे हम लोग। इसको वर्टिकली जॉइन कर देते हैं। दोस्तों, एसएस लाइन से रिलीज कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया। अब साइड व्यू में हम देखें तो 20 mm पे एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, तो हम लोग वो बना लेते हैं। दोस्तों, साइड व्यू में हम लोगों को 30 mm हाइट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, तो हम लोग वो बना लेते हैं। दोस्तों, हम लोग इस वाले इक्वेशंस भी ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इसको मिसल करके बना दिया है। तो इस प्रकार से हमारा साइड व्यू तैयार हो गया। और टॉप व्यू में देखें तो जो ये वाली लाइन है वो यहां से जाकर कट रही है, तो सबसे पहले हम लोग इस वाली लाइन की प्रोजेक्शंस ले लेते हैं यहां पे। दोस्तों, ये कॉर्नर से 40 mm तक है, तो हम लोग उसको मेजर कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से बन गया। दोस्तों, जो ये वाली लाइन है वो यहां पर दिखाई देगी, जो यहां से ज्वाइन करेगी, तो हम लोग उसकी पोजीशन ले लेते हैं। दोस्तों, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा टॉप व्यू तैयार हो गया। एक्सेस लाइंस को इरेज कर देते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हमारा टॉप व्यू तैयार हो गया। तो हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू तैयार हो गया। अब हम लोग इसकी डाइमेंशन कर देते हैं।
दोस्तों इस प्रकार से 12 स्टैंडर्ड के सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉप व्यू बना दिया है। तो इसकी डाइमेंशन हम लोगों ने कर दिया, इसकी नेमिंग हम लोग कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने फ्रंट व्यू साइड व्यू और टॉप व्यू बना दिया। दोस्तों डाइमेंशनिंग और नेमिंग मैंने फ्री हैंड की है, आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग इस प्रकार से जाके लिखते हैं, इस प्रकार से लिखिएगा। तो हम लोगों ने गिवन ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू साइड व्यू और टॉप व्यू तैयार कर दिया है।